जय हिंद साथियों। 1953 में जब निकिता क्रुश्चेव आए, उसके बाद से हमने देखा मुख्य रूप से कि इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला यूएसएसआर की तरफ से, उसका डिफेंस बेस और नेशन बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा मदद मिली। और ये जो डिफेंस हार्डवेयर की हम बात करते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट की बात करते हैं, जो कि हमें रूस की तरफ से मिला, वो सारा हमने मुख्य रूप से 1965 के वॉर में देखा उसका फ़ायदा, और 1971 के वॉर में देखा। उन्हीं सबको यूज करके हमने पाकिस्तान को बहुत करारी शिकस्त दी थी इन दोनों वॉर्स में। आगे चल के 1971 में फिर जब ये वॉर हो गया, बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बना पाकिस्तान के विभाजन के बाद, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री काल के दौरान। उसके बाद जब चुनाव हुए तो एक मैसिव मैंडेट मिला था श्रीमती इंदिरा गांधी जी को 352 सीटों के रूप में, और 352 सीटों के रूप में जो उन्हें मैंडेट मिला, उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने सोशलिज्म को लेके कुछ मूव्स लेके आई थी वो। उन्होंने बैंक नेशनलाइजेशन करी और प्रीवी बर्स को अबॉलिश करा। उसके बाद 1974 में जब पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, और 1975 में सिक्किम को भारत ने अपना फुल फ्लेज्ड स्टेट बना लिया, तो इन दोनों ही जो डेवलपमेंट थी, यहाँ पे हमें यूएसएसआर का पूर्ण रूप से समर्थन मिला, साथ मिला। और जैसे यूएस भारत के ऊपर दबाव डाल रहा था, यूएसएसआर ने कोई दबाव नहीं डाला भारत के ऊपर कि वो एनपीटी को साइन करे। उसके बाद 1975 से लेकर 77 तक जो इमरजेंसी थी, उसका भी कोई यूएसएसआर ने विरोध नहीं करा। 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज को जो ऐड किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर, वो फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमें यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमें उनकी प्रेरणा मिली थी। तो इस सब से हमें ये देखने को मिलता है कि भारत सोशलिज्म के फोल्ड में घुसता जा रहा था, और उसका टिल्ट यूएसएसआर की तरफ बढ़ता जा रहा था। और इस बात पे भारत की आलोचना भी हुई कि भारत वैसे तो बोलता है कि वो नॉन अलाइंड है, लेकिन वो अंदर ही अंदर यूएसएसआर से मिला हुआ है। लेकिन ठीक है, ये जो बात होती है नेशनल पॉलिसी की, फॉरेन पॉलिसी की, ये इसके जो डिटरमाइनिंग फैक्टर्स होते हैं, वो नेशनल इंटरेस्ट, पावर, सिक्योरिटी, सॉवरेंटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी, यही सब होते हैं। और इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए कोई भी देश अपनी फॉरेन पॉलिसी को समय समय पे चेंज करता रहता है, अपने स्टांस को। तो ये बात हो गई 1970s के दौर की। अब इसके बाद क्या था कि 79 में जब आर्म्ड इंटरवेंशन हुई थी यूएसएसआर की अफगानिस्तान में, तो वहां पे भी हमने देखा कि इंडिया ने कोई उसका मुखर होके विरोध नहीं करा था। जब 1980s का दौर आता है, तो 1980s के दौर में अब यहाँ पे क्या होता है कि 85 के आसपास एक नए लीडर का उदय होता है यूएसएसआर में, जिनका नाम है मिखाइल गोर्बाचेव। और मिखाइल गोर्बाचेव जो है, ये यूएसएसआर के सिटीजन्स को एक वेस्टर्न लाइफस्टाइल, एक उनका जो अपनी मार्केट इकोनॉमी है, उससे वो उन्हें थोड़ा सा आकर्षण उसके प्रति आ रहा था। और एक वेस्टर्न लाइफस्टाइल जो है, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हो गई और अमेरिकन एक कल्चर है, उसके प्रति उनका आकर्षण था। और वो चाहते थे कि जो उनकी जनता है उसको भी इसका लाभ मिले। तो हमने देखा कि इस दौरान राजीव गांधी जी जो प्रधानमंत्री थे भारत के, उनने भी रूस का दौरा किया था, वो मिले थे मिखाइल गोर्बाचेव से, और उनकी तब ऐसी बातें हुई थी कि लेट्स वर्क टुगेदर टुवर्ड्स इम्प्रूविंग अवर इकोनॉमी, यानी कि अपना जो अर्थव्यवस्था है उसको हम थोड़ा सा बदलते हालात के साथ चेंज करते हैं, इसलिए ताकि हमारी इकोनॉमीज भी बेहतर हों और हमारे लोगों का जो एक जीवन का स्तर है वो भी बेहतर हो। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये दो पॉलिसीज लेके आते हैं मिखाइल गोर्बाचेव, जिन्हें हम पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट के नाम से जानते हैं। अब ये पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट जो है, ये है रीस्ट्रक्चरिंग और ट्रांसपेरेंसी। तो रीस्ट्रक्चरिंग मतलब रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इकोनॉमी, यानी मार्केट इकोनॉमी से थोड़ा सा सीखे हम, उसको इनकल्केट करें उन प्रिंसिपल्स को। और जो ग्लासनोस्ट है वो है ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता हो, लोगों को उन कुछ राइट्स भी दी जाएं, इस तरह से थोड़ा सा लिबरलाइज कर रहे थे रजीम को। लेकिन ये जो चेंजेस वो लेके आए अपने सिस्टम में, तो यूएसएसआर इन सडन चेंजेस के लिए इतना रेडी नहीं था। जो कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्रीज थी यूएसएसआर की, बाकी की 14, यानी कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, ये हो गए आपके सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, और इस तरह से और जो यूरोपियन कंट्रीज थी, तो उन सबके ऊपर क्या था कि रशिया अपनी लैंग्वेज थोपता था, अपना कल्चर थोपता था, और बहुत सी ऐसी चीजें थी जिसमें
रशिया क्योंकि लीडर था इन 15 कंट्रीज की जो ग्रुपिंग्स थी यूएसएसआर के रूप में, तो रशिया अपनी सारी बातें उनके ऊपर थोपता था और वो इस बात से बहुत तंग थे। प्लस उनको ये भी था कि जो वेस्टर्न एक कल्चर है और वेस्टर्न इकोनॉमी है, वेस्टर्न लाइफस्टाइल, वो उनको भी बहुत ज़्यादा लुभाता था। तो उन्होंने जैसे ही जरा सी ढील मिली, पहली फुर्सत में उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया यूएसएसआर से। और फिर हमने देखा कि 25 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर का फाइनली कोलैप्स हो जाता है। इसके पीछे यूएस की साजिश रही थी, यूएस का हाथ था, इस बात की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि आखिरकार कोल्ड वॉर में यही तो वर्चस्व की लड़ाई थी, यही तो ग्लोबल हेगेमनी का संघर्ष था कि यूएस चाहता था कि कैपिटलिस्ट ऑर्डर एस्टैब्लिश हो जाए और वो एक सोल सुपर पावर बन जाए, और यूएसएसआर चाहता था कि कम्युनिस्ट ऑर्डर है वो मैक्सिमम कंट्रीज उसे एक्सेप्ट कर लें और यूएसएसआर ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित हो जाए। तो ये वर्चस्व की लड़ाई, हेगेमनी डोमिनेंस की लड़ाई दोनों कंट्रीज के बीच में थी, और इसी को ख़त्म करने के लिए हम मान सकते हैं कि यूएस के झांसे में बहुत सी कंट्रीज आ गई, और उसके बाद फाइनली यूएसएसआर का ऐसे हमें 25 दिसंबर 1991 को विघटन देखने को मिला। विघटन हुआ और उसके बाद यूएसएसआर की हालत बहुत ख़राब हो गई। इसके पीछे बहुत से कारण हैं, उन कारणों को भी हम देखेंगे आगे चल के, लेकिन इतना है कि जब हालत ख़राब हो गई, किसी भी देश की हालत ख़राब हो जाती है, तो जो सबसे बड़ा नुकसान होता है जनता को तो होता ही है, लेकिन जो गद्दी पे बैठा होता है सबसे ऊपर, उसको भी गद्दी छोड़नी पड़ जाती है। और ऐसा ही मिखाइल गोर्बाचेव के साथ हुआ कि मिखाइल गोर्बाचेव को अपने पद से हटना पड़ा और एक नया राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन के रूप में रूस, जो कि यूएसएसआर का सक्सेसर स्टेट बना, उसको मिला। यूएसएसआर का सक्सेसर स्टेट रशिया बना, क्योंकि यूएसएसआर का लीडर रशिया था, और सक्सेसर का मतलब ये हुआ कि जितनी भी उनकी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स थी, जो भी ऑब्लिगेशंस थी, वो सारी अब रशिया के पास आ गई थी। जैसे कि यूएनएससी की परमानेंट सीट, जो कि पहले यूएसएसआर के पास थी, तो वो रशिया के पास आ गई। तो इस तरह से 25 दिसंबर 1991 को फाइनली यूएसएसआर का विघटन हो गया। अब जो ये यूएसएसआर का विघटन हुआ, इसमें ये भी था कि जो सक्सेसर स्टेट रशिया है, उसका ध्यान पूरी तरह से अब यूएस की तरफ आ गया था, वो यूएस की तरफ देख रहा था। एक जो ट्रांजिशन था सिंगल पार्टी सिस्टम से मल्टी पार्टी सिस्टम की ओर, तो वो वाली बात, फिर इकोनॉमी, जो उनको एक स्टैंडर्ड चाहिए थे अपने अमेरिकन लेवल के, वेस्टर्न यूरोपियन स्टैंडर्ड्स जो जिनको वो चाहते थे, तो उन सब चीज़ों को लेके वो यूएस की तरफ देखने लग गए, क्योंकि वही एक हर मायने में सुपर पावर रह गया था विश्व पटल पे। और यहीं पे हमने ये भी देखा कि भारत भी एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। भारत के पास, ऐसा कहते हैं कि लगभग सिर्फ एक हफ्ते का इम्पोर्ट खरीद सकने के लिए फॉरेक्स या पैसे बचे थे। तो अब ऐसे में एक जो वेस्ट IMF और वर्ल्ड बैंक के जो ये ब्रेटनवुड ट्विंस हैं, इनकी शॉक थेरेपी उस समय चलन में थी, आज भी वो है। तो उस शॉक थेरेपी को ना सिर्फ रशिया ने अपनाया, उसको इंडिया ने भी अपनाया। और रशिया का तो बहुत बुरा हाल कर दिया था यूएस ने, मतलब पूरी तरह से उसको एक तो अपने बहकावे में ले भी लिया और अपने साथ भी कर लिया बोरिस येल्सिन की अगुवाई में, लेकिन उसकी होल हार्टेड मदद भी नहीं करी। और इंडिया जो है, उसने अपना सोना गिरवी रखवाया IMF इंस्टीट्यूशन के पास, और उसके बाद इंडिया की एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, जिसमें हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इनको देखा, जो कि उस समय के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव जी और उनके फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि बाद में आगे चल के हमारे प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनके द्वारा ये एक मास्टर स्ट्रोक था हमारे फॉरेन पॉलिसी का भी कह सकते हैं हम इसे, और इकोनॉमिक पॉलिसी का भी कह सकते हैं, कि हमने अपनी इकोनॉमी को खोल दिया। वी ओपन अप आवर इकोनॉमी, और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इनको हमने अपना लिया। जो एक इंस्पेक्टर लाइसेंस राज कल्चर था, इसको नकार दिया इंडिया ने, और उन्होंने एम्ब्रेस किया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसके कारण हमारा जो बाहर की दुनिया थी, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन बढ़ गया, ट्रेड इंटरेक्शन और हर तरीके का इंटरेक्शन, और उसका इतना लाभ मिला कि आने वाले समय में हमने देखा कि जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2009 का, उसमें पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी, रिसेशन था, सारी चीजें थी वर्ल्ड में, लेकिन इंडिया उन
चुनिंदा कंट्रीज में से था जो इसको सहन कर गए और उसको ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ा, किसी भी तरह हम उससे पार करके निकल आए। तो यहाँ पे हमने अब कंक्लूड कर लिया कि इंडिया रशिया के जो रिलेशंस थे वो 1991 तक कैसे रहे। अब आगे हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कि 91 के बाद इंडिया और यूएसएसआर की सक्सेस स्टेट रशिया, इनके रिलेशंस क्या रंग दिखाते हैं। यहाँ पे आपको एक चेंज्ड सिनेरियो देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो 91 से पहले था ना, ये यूएसएसआर था, वो 15 कंट्रीज का एक संगठन था, और ये जो 91 के बाद है ना, ये एक अकेली कंट्री है, ये रशिया है। उस समय गोर्बाचेव थे, निकिता क्रुश्चेव थे, लेकिन अब यहाँ पे यूएस की तरफ देखने वाला एक लीडर है, ये बोरिस येल्सिन। तो बोरिस येल्सिन की अगुवाई में रूस का भारत के प्रति क्या रुख रहा, ये हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। धन्यवाद।